नमस्कार, इंडिया फर्स्ट के खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स फर्स्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष राजा पटेरिया जी। राजा पटेरिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में। चुनाव अनकरीब हैं, सारे ही खेमे सक्रिय हो चुके हैं। दिग्विजय सिंह जी की लॉबी भी सक्रिय हो चुकी है, कमलनाथ जी की भी लॉबी सक्रिय हो चुकी है और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की भी लॉबी सक्रिय हो चुकी है। नहीं, जैसा कि सभी बड़े नेताओं का और छोटे नेताओं का इस बार मंतव्य है, जो दिलो दिमाग से तय है कि इस बार हर हाल में कांग्रेस को अपनी सरकार बनाना है। दुष्प्रचार बहुत बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, आपस में लड़ाने की कोशिश की जा रही है, परंतु दिग्विजय सिंह जी से लेके कमलनाथ जी से लेके सिंधिया जी से लेके अरुण यादव जी से लेके अजय सिंह जी से लेके पचौरी जी से लेके जो भी प्रदेश के बड़े नाम नेता हैं या मझोले नेता हैं या छोटे नेता हैं, और उससे जमीन का कार्यकर्ता जोड़ दो, प्रत्येक व्यक्ति ये तय कर चुका है कि इस बार हमें हर हाल में कांग्रेस की सरकार बनाना है। पटेरिया जी, एक सवाल, 2003 के बाद जैसे ही सत्ता से कांग्रेस बाहर हुई, दिग्विजय सिंह जी ने भी घोषणा कर दी कि साहब हम मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय नहीं रहेंगे, उनकी इतनी सक्रिय रहेंगे, उसके बाद कोई भी ऐसा कोई ना आंदोलन कांग्रेस खड़ा कर पाई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, और ना ही कुछ ऐसा लगा कि वाकई कांग्रेस चाहती है कि उन्हें सत्ता प्राप्त करना है। नहीं, देखिए, सदन के अंदर आप बारीकी से पिछले 3-4 सत्रों को देख लें, अजय सिंह जी जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, वो बराबर आक्रामक स्वरूप बना करके कांग्रेस के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। अरुण यादव जी को देखने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की हैसियत से लगातार पद यात्राओं के माध्यम से, जन जागरण के माध्यम से काम कर रहे हैं। अभी 23 तारीख को हमारा विधानसभा घेराव का प्रदर्शन है ही, यूथ कांग्रेस में कुणाल चौधरी लगातार कर रहा है। अब जितनी अपेक्षा लोग कर रहे हैं उनकी दृष्टि अलग हो सकती है, हम अपने दृष्टिकोण से आक्रामक हैं और इससे चौगुने आक्रामक अभी हम आप इनको 6 महीने में देखेंगे। दिग्विजय सिंह जी की नर्मदा यात्रा भी समाप्ति की ओर है, इसके बाद क्या लगता है कि राजनीतिक समीकरण या कांग्रेस के अंदर बदलेंगे या पूरा एक सिनेरियो चेंज होगा? मेरा जो अनुभव है, मैं ये कह रहा हूँ कि कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी और सिंधिया जी आज की बात हालात में एक आत्मा 3 शरीर है, और आप इसको आज की मेरी भविष्यवाणी को देख लीजिएगा, युद्ध के मैदान में आपको एक आत्मा 3 शरीर का जो शक्ति है वो ब्लास्ट कर देगी बीजेपी। लेकिन ये बार बार ये बातें उठती हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर के एक मत नहीं है कांग्रेस में, कहीं कोई ऐसा कन्फ्रंटेशन नहीं है। हमारी पार्टी का अलग स्वरूप है, हमारी पार्टी के सारे निर्णय सोनिया जी, राहुल जी को करना, उसके बीच में कोई अपना मंतव्य भी जारी करे तो वो अव्यवहारिक है। दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी और सिंधिया जी का साफ तीनों का एक ही लाइन पर कहना है कि जो भी निर्णय होगा वो मैं स्वीकार होगा। सिंधिया जी को लेके किसी के मन में कोई किसी किस्म का पूर्वाग्रह नहीं है। किन मुद्दों पे होगा ये चुनाव? मुद्दे तो इतने हैं, सिर्फ बीजेपी को हराना है ये ही मुद्दा होगा या कोई विकास का या किसी का मुद्दा होगा? अरे मुद्दा होगा किसान, किसान है, नौजवान है, बेरोजगारी है, लाइन ऑर्डर है, इकोनॉमिकल पोजिशन लेके है, प्रदेश की आर्थिक भयावह स्थिति है, पेयजल है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम, ये हजारों चीज़ें हैं जिनको समूचा आमूल चूल परिवर्तन कर देंगे हम। ये तो मुद्दे की बात हुई कि इन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में कांग्रेस जाएगी कि भाई ये नाकामियां गिनाने वाली बात हुई। उपलब्ध ऐसी कौन सी बात कांग्रेस जनता के बीच में लेके जाएगी कि हम सत्ता में आए तो ये कर देंगे, ये नहीं कर पाए? सबसे पहले किसानों को उनकी लागत मूल्य से मुनाफे वाला काम हम करेंगे, बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करेंगे, प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज और एजुकेशन सिस्टम में जो खुली लूट हो रही है इसको नियंत्रण करेंगे, पेयजल की व्यवस्था करेंगे, पंचायती राज के अंदर जो अधिकार इस सरकार ने ख़त्म कर दिए हैं हमारी पुरानी सरकार के समय जो थी, इन सारी चीज़ों को हम लेके जाएंगे। इनकी आलोचना के साथ साथ, इनके कार्यक्रमों की बुराई के साथ साथ, हम अपना आगे की सरकार हमारी कैसे होगी उस पक्ष को हम लोग प्रस्तुत करेंगे, इसके साथ हम लड़ाई के मैदान में जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए राजा पटेरिया जी। तो ये थे प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष राजा पटेरिया जी। इंडिया फर्स्ट के पॉलिटिक्स फर्स्ट कार्यक्रम में अगली मुलाकात फिर ऐसे ही किसी शख्सियत से आपसे हम करवाएंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। फ्यूचर ऑफ मीडिया इज डिजिटल टेलीविजन।
इंडिया फर्स्ट मोबाइल न्यूज में सबसे आगे है। सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर इंडिया फर्स्ट, सटी एक्सक्लूसिव और डिजिटल पिक्चर क्वालिटी। इंडिया फर्स्ट आपको रखता है हर वक्त अपडेट। तो जुड़िए डिजिटल न्यूज के आधुनिक संसार से, जुड़िए इंडिया फर्स्ट से। सब्सक्राइब नाउ indiafirst.online।